अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफसल बट्टू। तो तुम वेखते पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो सुबह बखैर दोस्तों, सुबह सवेरे जनाब बाहर फील्ड च आए हैं। तो इत्थे आजम भाई जड़े ने आलू वास्ते जमीन तैयार करते पे ने। पिछे वेख सकते हो आलू दी बोरियां पईयां ने, बीह आया पिया है। 4 किले का प्लाट है तकरीबन, तो ये 4 किले लगू ने जनाब आलू चिट्टे। तो दोस्तों ये बारे गलबात करने हैं। तो ट्रैक्टर चलता पाया 85, वो पिछे है रूटर। तो पता करने भी रूटर किन्ने कटर वाला है, तो किस गेरे चला पिया है, तो किन्ने रूटर इन फेरने ने, तो मजीद मालूमात लैने जनाब। आओ चलिए आलू दी बोरियां चेक कर लो। आलू का बीज है जी, ये स्टोरेज कढ़ने तो बाद कम अज कम 3-4 दिन हवा वगैरह लगवा देने भी, ताकि ये जी ठंडक वगैरह है ना वो निकल जाए, तो फिर इसकी बिजाई करते ने। जे अगर फौरी स्टोरेज कट के फौरी लगा देवन ठंडा आलू, तो फिर नुकसान देता है, जर्मीनेशन घट हुंदी है। तो सामने वेखो 85, तो उहदे पिछे रोटर। तो आजम भाई आते ने जो ही करीब, तो फिर तुहाडी उहनां नाल गलबात कराने है, तो पुछने दसने भी मजीद इस ते किन्ने हल सुहागे होर करने ने, ताकि आलू की काश्त हो सके। तो साढ़े पास जी मुंजी है दोस्तों, बिल्कुल ही हुण थोड़ी बहुती रह गई है, तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो स्टाकिए पै गए ने जनाब, जोरों शोर ना खरीदारी पिंडा विच ही जारी है। मंडी ले जाने की हुण जरूरत ही नहीं, लेकिन मंडी विच फिर भी काफ़ी माल पहुँचता पिया है। तो पिंड च आके 2000 रुपया, 2100-2000 पिंड च ही चुकते पे ने। तो मेरा ख्याल है भी हो सकता अगले महीने तक जिहड़े दोस्त रख लवणगे उन्होंने कुछ ना कुछ फायदा आ जाएगा। अगर आप हिसाब लाइए डीजल की कीमतों का, या हिसाब लाइए खादा की कीमतों का, तो फिर जिन्स जी है ना, ये 2000-2150 का जो रेट, ये 3 साल पुराना है। 3 साल तो यही चलता पे है। तो 3 साल के जोड़ा ट्रैक्टर है 12 लाख का, वह 18-19 लाख रुपए का हो गया है। तो जड़िया डिस्क है सन 2 लाख दियाँ, 3 लाख दियाँ हो गई ने। हल जे असी 80,000 के बनवा सौ 1.5 लाख तो उत्ते बनते पे ने। इस तरह हर चीज़ ही महंगी हो गई दोस्तों। बाकी एक चीज़ जमींदारों की तो तकरीबन चीज़ा जड़िया ने महंगी नहीं होंगे, खास करके जिन्स वगैरह। तो एक होर मैं गल करता जावा, जिस तरीके दुध है खालस दुध मझां का या गावों का, साढ़े पिंड बल्कि साढ़े आसे पासे जितने भी पिंड है ने, उत्थे पुराना रेट चलता पिया है। 50 रुपये किलो के हिसाब न, 52-53 रुपये के हिसाब न दुध ही लैके जाते हैं। तो सानू किसानों तो घाटा ही घाटा है। वह दुध उत्थे जाके जनाब पानी पा के मुख्तलिफ मिलावटा करके उत्थे तकरीबन कहिंदे ने जे असल बना के जिहड़े वेचदे ने 150 तक भी वेचदे पए ने। तो साढ़े पासे जनाब 52-53 रुपये भी जांदा पिंडां विचों। तो मेरा ख्याल है भी मैं अपने पिंड की गल कर रहा दोस्तों, साडा जिला उकाड़ा है इत्थों दी, क्योंकि बस शहर के लागे जिहड़े पिंड हुंदे ने करीबी, उत्थे तां 70-80 रुपए किलो है, लेकिन साढ़े पिंड दे विचों आसे पासे जो एंड 55 रुपए हैगा, 55 रुपये के हिसाब से, 50 तो लैके 55 रुपए के हिसाब से दुध ही 40 किलोग्राम के हिसाब न चुकते है ने। मतलब भी 55 रुपये किलो, तो मण के हिसाब तुम लगा सकते हो 2500 रुपया बन सकता है, 2400 बन सकता है। इस हिसाब न दुध जनाब ले जाते पैने, तो बड़ी ज्यादती है साढ़े नाल। ट्रैक्टर बड़ा जनाब सोहना तो स्लो चलता आता है। तो दुध की गल करते पैसा भी, अगर 2500 का मान हो, मेरा ख्याल है भी जिमीदार की बचेगा। पट्ठे महंगे, खाल महंगी, हर चीज़ महंगी है जनाब। मेरा ख्याल है जो दुध पी लवेंगे वही बचेगा, तो पीना भी चाहिए, बंदा तकड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी आजम भाई, की हाल है?
ਅਜਮ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹੈ ਕੁਝ ਦੋ ਫੇਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੇਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਜ ਤੇ ਰੇਸ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 16 ਦੇ 1600 ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੀਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ फिर हल्ला वगैरा भी फेरनिया ने चार दिन रख दे नहीं वो चार पाँच दिन भी स्टोर चला रहे तो मुड़ चौकी केयर रवा लानी पड़ी स्टोर बंद हो जाए तो मुड़े पाने चार पाँच दिन बाद केयर अच्छा ए, रूटर नवा लिया है हाँ जी नवा लिया कि आया है पता नहीं मंग तो लिया मंग तो लिया दोस्तों रूटर विखा रहे जी नाल परफॉर्मेंस भी खाने सुप्रीम रूटा रूटावेटर है जी नाल समुद्री रोड फैसलाबाद का बनया हुआ है तो सिस्टम लग्या हुआ जी किस वास्ते लगे हुए टापे मतलब सुहागा भी फेर स्प्रिंग की बदौलत इत किल पै जा सी अच्छा अच्छा दोस्तों है जनाब रूटर का सिस्टम पहली बार वेखा है जैक सिस्टम जोड़ा पिछले फटन दबावेगा वरना पहले बेच सिस्टम को नहीं सी ये नवा सिस्टम ही है चलो जी चलाओ वेखने फिर इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके ये चलता है सुकून ना चलता है या पिछों टाप लंके इसकी कंबदी है बहुत ही आला किस्म का सर बहुत ही वधिया ते किसी किस्म की बबलिंग नहीं हैगी ट्रैक्टर तो लोड भी कोई नहीं इन्ना तो अच्छा कर लो रूटर बिल्कुल काफ़ी थले तक जा रहा है दोस्तों किसी किस्म की बबलिंग नहीं हैगी जनाब 2021 मॉडल है सुप्रीम का बनया हुआ सुप्रीम रूटावेटर समुद्री रोड फैसलाबाद बहुत ही आला मियार का बनाया हुआ है आला मियार का है भी मेरा ख्याल है 60 कटर वाला जो चीज़ मैनू दोस्तों पसंद आई होगी इसकी जड़ी है ना आ बबलिंग नहीं करता पे बड़े आराम ना ये उपर गिलास पानी का अगर रख दईए भर के तो मेरा ख्याल है भी वो डुलना नहीं हैगा गिलास महफूज ही पिया रहेगा इस तरीके एक रूटर है अलमदीना वाले का उकाड़े का बनया हुआ वो साढ़े कोल ही है वह भी जनाब बड़े सुकून ना चलता है किसी किस्म की बबलिंग नहीं करता
बहुत ही आला जनाब कारगर्दी, बहुत ही आला। ट्रैक्टर भी किसी किस्म की दुख तकलीफ कोई नहीं पहुंचता पिया। अगर पहला लो इस्तेमाल करोगे तो मेरे ख्याल जी तो तीन रूटर लगावने दो ही काफी ने। बहुत ही आला जनाब। मेरा ख्याल है भी अगर किसी दोस्त ने रोटावेटर लेना होना रबता लाजमी करन सुप्रीम वाले नाल।